मतलब चाह रहे थे आपके रिश्ते आए। हाँ, चाहत तो होती है यार, चाहत तो आदमी को फूकने से दो घंटे पहले भी होती है कि ब्याह हो रोज। अरे वाह, रिश्ते में बैटरी रिक्शा जरूर लूंगा। दोस्तों अभी मैं हूँ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में, जहाँ पर मैं आया हूँ भेलपुरी वाले अंकल जी के पास। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील सेठी। और एज कितनी होगी आपकी? पहले तो 22 की थी, अब 62 ही कर दो। पहले 22 की थी? कितने दिन पहले 22 की थी? अब एक घंटे पहले 22 की। रिश्ते उस्ते तो आते कोई फायदा नहीं हुआ यार। कोई फायदा नहीं हुआ? किसी लड़की ने नहीं पूछा? किसी ने घास नहीं डाली। मतलब चाह रहे थे आपके रिश्ते आए। हाँ, चाहत तो होती है यार, चाहत तो आदमी को फूकने से दो घंटे पहले भी होती है कि ब्याह हो रोज। अरे वाह, कोई भी लड़की अंकल जी में अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लो अंकल जी, ये भेलपुरी बना के खिलाएंगे आपको। रिश्ते में बैटरी रिक्शा जरूर लूंगा। बैटरी रिक्शा लोगे और भेलपुरी खिलाओगे? नहीं खिलाओगे, नहीं, फिर बैटरी रिक्शा चला लेंगे। बाल बाल कैसे गायब हो गए आपके? यार ये बीवी बाल पकड़ के मारती है, इसलिए बाल में रखता नहीं। अंकल जी क्या क्या देते हो? मैम धोखा देते हैं सिर्फ। और बनाते क्या हो? चूतिया बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। कितने साल से बना रहे हो फिर? 37 साल हो गए हैं। थकावट वकावट नहीं होती? नहीं, पैसा आता रहे फिर कोई थकावट नहीं होती। अंकल जी हमने सुना है आपके पास एक स्पेशल चटनी है। हाँ है, उसके बारे में बताइए। उसके 2.5 लाख रुपए लगते हैं। थोड़ा सा बता दो अंकल। ना भाई, नहीं पहले 2.5 लाख। अंकल जी भेलपुरी फेमस है आपके यहाँ? सेवपुरी? भेलपुरी ज्यादा फेमस। और रेट कितना होता होगा? भेलपुरी का 60 रुपए और सेवपुरी का 80 रुपए। हमारी भेलपुरी की मेकिंग स्टार्ट हो गई है। अंकल जी कितनी पापड़ी डाल देते हो? कोई गिनती नहीं। अच्छा, कोई गिनती नहीं, गिना नहीं। और इसके बाद ये सेव डाल दिया, ये बूंदी आ गई, बूंदी आ गई, ये मूंगफली आ गई, मूंगफली आ गई अपने, ये कटे हुए प्याज, ये लो जी भर के डाल दिए कटे हुए प्याज, ये हमारा मनपसंद हल्द्वानी का आलू। हल्द्वानी का तो इसमें क्या खास होता अंकल? ये अच्छा आलू होता। अच्छा आलू, नॉर्मल आलू से अच्छा होता है? नॉर्मल से अच्छा होता है। ये यहीं मिलता है या फिर कहीं से? नहीं, हर आलू वाले के पास मिलता है। तो ये जा रहा है हल्द्वानी का स्पेशल आलू। तो ये नॉर्मल आलू से महंगा पड़ता है या उसी रेट? थोड़ा महंगा होता है। ये मिर्ची वाली चटनी, ये मीठी, तो इसी चटनी के अंकल 2.5 लाख रुपए? नहीं, तो 2.5 लाख दोगे तो बताएंगे। और ये आ गया भाई साहब नींबू। ये लो जी भाई, हमारी भेलपुरी बन के तैयार हो गई है। YouTube में देखा था जी। अच्छा, YouTube में देखा था जी। अरे वाह, तो भेलपुरी खाने आए आप? हम तो सारी चीजें खावाएंगे जी। अरे क्या बात है, वीडियो इनकी देखते हो? इनकी मेरी बिटिया ने देखी, वही लेकर के आई है। चलो पापा आपको आज चीज खिलाते हैं। अरे वाह, ये हमारी भेलपुरी की प्लेट बनके तैयार हो गई है। 60 रुपए इसका प्राइस है। अब टेस्ट करके एक बार बता देता हूँ, ऊपर तक भाई भरा हुआ है ये। भाई इतनी सारी चीजें डली हुई ना इसके अंदर, सबका अपना अपना फ्लेवर तो आ ही रहा है। साथ ही में जो लाल और हरी वाली इन्होंने चटनी डाली है ना, जिसके बताने के 2.5 लाख रुपए चार्ज हैं, बहुत अमेजिंग टेस्ट आ रहा है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के पास कभी भी आओ, पटेल चेस्ट के पास कभी भी आओ, तो अंकल जी की ये भेलपुरी मस्ट ट्राई है, जरूर से खा के जाना, खा के आपको मजा आ जाएगा। अंकल जी कितने बजे आते हो आप यहाँ? 1 बजे। और कितने बजे तक रहते हो? 7:30। और एक बार लोकेशन बताना चाहोगे कहाँ पर आते हो? मेरे लेफ्ट हैंड पे पटेल चेस्ट 4 नंबर गेट। अच्छा, और ये राइट हैंड पे WL सेंटर का बोर्ड लगा हुआ।